दोस्तों आप सबका स्वागत है। वत्सला ने मुझे हिंदी में बोलने के लिए बोला, आदेश दिया है, तो ऑल द डिग्निटरीज, आई नो मेजॉरिटी ऑफ द सीनियर आईएएस ऑफिसर्स हेयर। दुगल साहब, आज पहली बार आपसे मुलाकात हुई है, आई थिंक दिस विल कंटिन्यू। और जो फ्रेंड्स आए हुए हैं, मेरे ब्रदर आशीष भी आए हुए हैं, इज DGP पुलिस हेयर एंड हार्टफुलनेस के वॉलंटियर्स एंड प्रिसेप्टर्स एंड सारे वत्सला ने जो इनवाइट किए हुए, चारों तरफ के सारे एरियाज के जो यहाँ लोग आए हुए हैं, सबका स्वागत है। मैं एक डिफरेंट तरह का पहले इंट्रोडक्शन दूंगा, ये भाषण नहीं है, क्योंकि भाषण में लोग, और वो भी मेडिटेशन के भाषण में, बड़ी जल्दी नींद आ जाती है, तो ये भाषण नहीं रहेगा। मैं जो बताऊंगा पहले, एक वो अपना ऑटोबायोग्राफिकल बताऊंगा कि मुझे क्या एक्सपीरियंसेस हुए, मैंने क्यों मेडिटेशन शुरू की और क्या क्या किया, कहाँ क्या हुआ, वो मैं बताऊंगा पहले। उसमें भी, क्योंकि टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उसके भी दो पार्ट्स हैं। पहला पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, मेरे में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें मैं गया और जहाँ ये मेडिटेशन शुरू हुई, वहाँ पे क्या ट्रांसफॉर्मेशंस हुई। तो इस तरह से वी विल बी गोइंग, एंड देन इन द एंड आई विल ऑल्सो इंट्रोड्यूस दिस मेडिटेशन, और फिर हम ये एक्चुअली मेडिटेशन करेंगे। दैट इज़ द प्लान फॉर टुडे, आज का मतलब ये जो सेशन है। तो मैं आपको, आपने 18 साल बोला, 18 साल हुए मेडिटेशन करते हुए, लेकिन अभी मैं आपको और पीछे लेके जाता हूँ, 20 साल पहले। आई एम 59 नाउ, अबाउट आई एम टॉकिंग, मैं 39 था या 40 ईयर्स ओल्ड था। तब तक जिंदगी ऐसे लगती थी कि काम, गेम्स एंड पार्टी, मतलब लाइफ में और कोई पर्पस है इसके बारे में, या लाइफ का कुछ और मीनिंग है, ये नहीं था। और मैं और मेरी वाइफ दोनों जल्दी ही यंग एज में, मैं IAS में आ गया, वो IRS में आई, इनकम टैक्स में, तो वी वर इन अ वेरी वेरी सीनियर पोजीशंस एट अ वेरी यंग एज। तो उससे क्या था कि दोनों के ईगो भी बहुत ज़्यादा थे, तो टू वेरी हाई ईगोस, वेरी हाईली कॉम्पिटिटिव पर्सनैलिटीज, वेरी एग्रेसिव पर्सनैलिटीज, ये दिस वॉज वॉट वॉज गोइंग ऑन एट दैट टाइम वेन आई वॉज 39। और जिंदगी में कुछ और करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन का नाम भी नहीं सुना था तब तक, कभी कभी मंदिर में जाके पूजा कर लेते थे, इसके अलावा कुछ नहीं था। सडनली आई वॉज पोस्टेड इन दिल्ली दैट टाइम, सडनली फैमिली में बहुत दो क्लोज रिलेटिव्स की डेथ हो गई। मेरी वाइफ का नाम अनुराधा है, उसकी उसके अंकल वाइस एडमिरल थे वो, और दूसरी उसकी ब्रदर इन लॉ, यंगर ब्रदर इन लॉ, इन दोनों की जब डेथ हुई, तो वी वर कम्प्लीटली शेकन कि ये क्या है, मतलब इस जिंदगी का पर्पज़ क्या है, कल जिससे हम मिलते हैं वो मिलता है नहीं मिलता है, हम हैं नहीं हैं। सो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जिंदगी में शुरू हुआ हम दोनों के लिए, मेरे लिए और मेरी वाइफ दोनों के लिए। और एक आई बिकेम अ सीकर, एंड मैंने स्टार्ट किया पढ़ना, पहले तो किताबें पढ़ी ऑन रिग्रेशन एनालिसिस, लाइफ आफ्टर डेथ, ये लोग गए तो कहाँ गए, क्या हुआ। आई मस्ट हैव रेड अबाउट 30-40 सच बुक्स ऑन रिग्रेशन एनालिसिस, लाइफ आफ्टर डेथ। आई विल नॉट गो इनटू उसमें क्या था, बट उसकी मैं आपको जिस्ट बताता हूँ। उन सब किताबों की दो जिस्ट थी, दो समरी थी, एक आपको जिंदगी का पर्पस, बर्थ लेने का पर्पस तब समझ आएगा अगर आप मेडिटेशन करेंगे, दिस इज वन। सेकेंड, पर्पस ऑफ लाइफ इज लव। अब ये दो चीजें दोनों ही अनजान थी काफी। अब लव, व्हाट वी अंडरस्टैंड ऑफ लव, दिस इज नॉट दैट लव, यू नीड टू रियली अंडरस्टैंड, डू मेडिटेशन एंड देन अंडरस्टैंड व्हाट दिस लव वी आर टॉकिंग अबाउट। तो ये दो चीजें, दिस वॉज द समरी ऑफ दोज बुक्स। तो जैसे आपको किसी ने बताया मेडिटेशन का लेक्चर है तो आप पहुंच गए, उसी तरह हमने एक कुलीग को पकड़ा, अनुराधा की कोई कुलीग थी, एडिशनल कमिश्नर, उसको दिल्ली में पोस्टेड थी, शी वॉज डूइंग ट्रांसडेंटल मेडिटेशन।
तो ट्रांसडेंटल मेडिटेशन हमने सीखी, करना शुरू किया, उसमें एक मंत्र लिया, मंत्र करना शुरू किया. अनुराधा ने एक महीने के बाद बंद कर दिया. ही सेड मेरे को कुछ नहीं हो रहा है. मैं 4-5-6 महीने करता रहा. जब बैठता था तो थोड़ी पीसफुल होता था, लेकिन और कुछ नहीं मेरा हो रहा था. मे बी आई शुड हैव गॉन डीपर इन टू दैट. फिर किसी ने मुझे एक और मेडिटेशन का बताया, विपसना. हु इज डन विपसना हियर? किसने किया हुआ है? नॉर्मली 7-8 हाथ तो खड़े होते हैं, 2-3 लोग बस. अच्छा, मतलब गुजरात में पहुंची नहीं है अभी. तो ये मेडिटेशन है, एक पूरी तपस्या है. ये 10 दिन के लिए आपको एक आइसोलेटेड जगह पे, एक आश्रम में लेके जाते हैं, जहां पे किसी से बात नहीं करनी, आंखों से भी बात नहीं करनी. पहले 3 दिन सिर्फ सांस को देखना, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी, उसके बाद अपनी सेंसेशंस को देखना और सेंसेशंस देख के उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करना. बेसिकली दे आर टीचिंग टू बी प्रेजेंट, टू बी इन द प्रेजेंट एंड एक्सेप्टेंस थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस. तो मैंने पूरा 10 दिन का कोर्स किया, बहुत अच्छा लगा. जब बाहर आया तो हर चीज़ बहुत सुंदर लगे, मतलब फूल ज़्यादा सुंदर लगे, लोग भी ज़्यादा सुंदर लगे. तो मैंने कहा ये मेरे को चीज़ मिल गई है, अब मैं यही करता हूँ. तो मैंने वो रेगुलरली शुरू कर दिया. उसके बाद दिल्ली से पोस्टिंग महाराष्ट्र में हो गई. वी केम टू महाराष्ट्र रेगुलरली. आई वॉज दैट टाइम आई वॉज इन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड. आई वॉज मैडम, वो टाइम था जब मैं विपसना कर रहा था. दैट वॉज द टाइम जब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में था. रेगुलरली शुरू किया, पूरा लोगों के साथ अरेंज कराया. अपनी जो बिल्डिंग थी, अपनी नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बिल्डिंग होती है, उसके अंदर एक हॉल बुक कर दिया. सब ग्रुप मेडिटेशंस करते हैं, तो करता रहा मैं. लेकिन क्या हुआ, 1-2 साल करने के बाद मेरे अंदर जो इंक्विस्टिवनेस थी कि पर्पज ऑफ लाइफ क्या है, उसकी क्लैरिटी नहीं आ रही. और विपसना जिस चीज के ऊपर बेस्ड है, उसमें आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं है कि आत्मा है ये नहीं है. उसमें यह है कि तुमने जो मोक्ष प्राप्त करना है, तो उसके बाद तुम नहीं हो. दिस इज द प्रिंसिपल. सो ये प्रिंसिपल मेरे को थोड़ा सा मतलब पड़ता नहीं था कि मैं नहीं हूं क्या इस लाइफ के बाद, मैं नहीं हूं क्या, तो क्या पर्पज है फिर सारा, इस सारी चीज का. किया सिंसियरली. लेकिन फिर मैंने दूसरी तलाश शुरू की विपसना में, क्योंकि प्रिंसिपल्स जो बाकी चीजें हैं बहुत ही साइंटिफिक. तो मैंने कहा कमी जो है कि मैं इसमें प्रोग्रेस नहीं कर रहा, मुझे आंसर्स नहीं आ रहे, कमी मेरे में है उसमें नहीं है. तो किसी ने मुझे बोला योगा शुरू कर दो. तो मैंने योगा शुरू किया रेगुलर. तब तक रामदेव जी का इन्फ्लुएंस शुरू हो गया था. तो एक योगा टीचर को पकड़ा, उन्होंने आके योगासन वगैरह सिखाए, सारे प्राणायाम सीखा. बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन हेल्थ का, यहाँ का या अंदर का कुछ खास नहीं. तो तलाश चलती रही. फिर एक और मेडिटेशन मेरे सामने आई कॉल्ड ब्रह्म विद्या. वहाँ पे मुंबई में एक जस्टिस थे, जस्टिस दुदाड, उन्होंने मुझे सिखाई. रेगुलरली मैं उनके साथ करता रहा. फिर ज्ञान योग किया. पार्थ सारथी जी हैं लोनावला में, उनके साथ किसी ने किया क्या ज्ञान योग? वेदांता ट्रिटाइज किताब लिखी है उन्होंने, वो किया. फिर एक वननेस यूनिवर्सिटी है चेन्नई में, वहाँ गया. फिर ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी किस किसने पढ़ी हुई है? इसमें नंबर ऑफ हैंड्स और मोर. सो उनका एक मेडिटेशन है क्रिया योग, वो किया. इट इज़ अ कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स. जैसे पढ़ाई करते हैं ना गेरा जी, तो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स शुरू किया. तो क्या हो रहा था कि हर चीज़ में से मैं कुछ कुछ पिकअप कर रहा था और करता जा रहा था. एक दिन ऐसा आ गया एंड 5-6 साल निकल गए, हर चीज़ कर रहा हूँ. इनफैक्ट बाद में जब मैं कहानी सुनाता हूँ, लोग तो मुझे पूछते हैं कि तू इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कोई काम भी करता था कि नहीं, कि सिर्फ मेडिटेशन ही करता था. मैं सुबह 4 बजे उठता था, 4 बजे से लेके 1 किया, फिर दूसरा किया. सो कैन यू इमेजिन, एक आदमी जो 9 चीज़ें कर रहा है. देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज डूइंग 9 थिंग्स एट अ टाइम. मतलब सम थिंग्स आई पिक्ड अप पार्टली, सम थिंग्स फुली. तो ऐसा हाल हो रहा था दैट आई वाज गेटिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड. मतलब कोई कहेगा पागल हो रहा था, पागलपन टाइप ये हो रहा था कि भाई 9 चीज़ें कर रहा है और आंसर नहीं मिल रहा. पर्पज ऑफ लाइफ वगैरह जो जिस चीज़ के लिए निकले हैं, आंसर नहीं मिल रहे हैं.
तब एक किताब हाथ में आई, ये किताब कईयों ने पढ़ी होगी, द सीक्रेट, किस किसने पढ़ी है, सेम हैंड्स हैं ये, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी वाले ही हैं, ओके, द सीक्रेट बुक का ये है कि आपको जो चीज़ चाहिए उसके बारे में आप बहुत पॉजिटिव थॉट क्रिएट करिए, कोई नेगेटिव थॉट नहीं आनी चाहिए, तो आपको वो चीज़ मिलेगी। तो मैंने MSCB में था तो MSCB के ऑफिशियल कामों के लिए कुछ दो तीन के लिए बड़ी पॉजिटिव थॉट क्रिएट की, वो तीनों चीज़ें हो गई, सो आई वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड, ये तो बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है, कुछ मिल गया है। तो मैंने फिर पूरा सोच लिया कि मैं अब पूरा विजुलाइज़ किया, मेरे को एक गुरुजी मिल गए हैं, वो गुरुजी की सफ़ेद दाढ़ी है और मेरे को सारे आंसर्स मिल चुके हैं, पर्पस ऑफ लाइफ क्लियर हो चुका है एंड आई एम वेरी हैप्पी, ऐसा इमेजिनेशन शुरू किया। इस जब ये इमेजिनेशन शुरू की, साइमल्टेनियसली ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, सम ऑफ माय क्लोज फ्रेंड्स नो दैट, मतलब एकदम झटके जैसा हुआ, आई वॉज ट्रांसफर्ड आउट, सेंट समवेयर फ्रॉम MSCB, किसी की हिंट देता हूँ, चीफ मिनिस्टर साहब की बिजली काट दी थी फॉर नॉन पेमेंट, तो इस चक्कर में इधर उधर ट्रांसफ़र वगैरह हुई, तो मेरी पोस्टिंग हो गई यशोदा में, यशोदा इज़ IAS एंड सिविल सर्विसेज की और बाकी लोगों की ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट, आई वॉज एडिशनल DG देयर, वहाँ पे और ज़्यादा टाइम मिलता था, तो एक सुबह जो करता था और शाम को करता था, मैंने बीच में भी शुरू कर दिया लंच टाइम पे भी, और मेडिटेशन हॉल भी बनवा दिया वहाँ, तो रेगुलर मेडिटेशन कर रहा था। तब एक इलेक्शन ड्यूटी आई, इलेक्शन ड्यूटी इन बागपत, बागपत किस किस को पता है बागपत कहाँ है, हाँ, सो बागपत इज़ नियर दिल्ली, थोड़ा डिस्टेंस पे है बट वेरी वेरी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, चरण सिंह जी की, अजीत सिंह जी की, अब सत्यपाल जी की, अपने IPS ऑफिसर जो पॉलिटिक्स ज्वाइन किए हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये। तो जब मैं वहाँ गया, वहाँ पे सर्किट हाउस भी नहीं था, देयर वाज अ एनिमल हॉस्पिटल अंडर कंस्ट्रक्शन, कलेक्टर कन्वर्टेड 3 rooms इनटू अ सर्किट हाउस फॉर मी एट दैट टाइम, और कहा सर आ जाइए यहाँ पे, मैंने कहा ठीक है, लेकिन उस वक़्त जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ, अंदर से मुझे बार बार फीलिंग आ रही है कि तेरे को आंसर बागपत में मिलेगा, ये कुछ आई डोंट नो ये कैसे होता है, लेकिन अंदर से शुरू हो गया, तेरे को आंसर बागपत में मिलेगा, क्योंकि मैं रोज़ प्रे करता था भगवान को कि भगवान ये 9 में से कौन सा है वो बता दो, तो मैं इसी के अंदर आगे बढ़ता जाऊं। तो मैंने उस वक्त सारा बागपत छान मारा, आपको पता है इलेक्शन ऑब्जर्वर को ज़्यादा काम होता नहीं, जब इलेक्शन ड्यूटी है तभी काम होता है, सारा बागपत छान मारा, हर मंदिर हर आश्रम में गया, वहाँ राम रहीम का आश्रम भी था उसमें भी एक चक्कर मारा, हाँ पूरा, देखो जो कुछ था सब देखना था ना, तो राम रहीम के आश्रम में भी चक्कर मारा, वापस आया, कोई ठीक ऐसा दिखा नहीं कि जो मुझे ये करने की ज़रूरत है। सो नॉर्मली द सीनियर IAS ऑफिसर्स नो दैट व्हेन यू गो एज एन इलेक्शन ऑब्जर्वर, तो कलेक्टर समटाइम्स इनवाइट्स यू फॉर डिनर और समथिंग, जिसमें ही इंट्रोड्यूसेस यू टू ऑल द डिस्ट्रिक्ट फंक्शनरीज, सारे डिस्ट्रिक्ट फंक्शनरीज को इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो कलेक्टर, यंग कलेक्टर था मेरे से भी यंगर, उसने एक डिनर रखा और सबको बुलाया हुआ था, SP वगैरह सब थे, तो मैंने डिनर में भी, मेरा दिमाग उसी तरफ चलता था, तो मैंने कलेक्टर साहब से पूछा, साहब यहाँ पे कोई मेडिटेशन, कोई स्पिरिचुअल, कोई एक्टिविटी है, कलेक्टर साहब बोले सर यहाँ कहाँ, यहाँ तो मक्खन और गन्ना मिलता है और कुछ नहीं मिलता, लेकिन ये आपके साथ जो SP साहब बैठे हुए हैं ना, ये कुछ कुछ करते रहते हैं, अ लिटिल डेरोगेटिवली, हाँ कुछ कुछ करते रहते हैं ये SP साहब, मिश्रा जी नाम था उनका, SP साहब का। तो मैंने SP साहब से पूछा आप क्या करते हैं, SP साहब बोले मैं एक मेडिटेशन करता हूँ जिसमें मुझे ट्रांसमिशन आती है, मैं कहाँ से आया था, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, मैं तो मैंने कहा ये कुछ गलत कर रहा है, इसको मुझे विपाशना सिखानी चाहिए, सच में मेरे मन में ये फीलिंग आई, इसको विपाशना सिखाने की बहुत ज़रूरत है, कुछ गलत में फंस गया, ये कौन सी ट्रांसमिशन की बात कर रहा है। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि मैं उसको सिखाऊंगा और वो मुझे सिखाएगा, एंड नेक्स्ट डे SP साहब पहुंच गए एनिमल इंस्टीट्यूट में, सैल्यूट मार के सर मैं आ गया हूँ, तो सम हो मुझे वो UP का अदब याद आया, तो मैंने बोला पहले आप, तो पहले आप सिखाइए, तो SP साहब सामने बैठ गए मेरे और बोले आंखें बंद कीजिए, ये थोड़ा ध्यान से सुनिए,
सामने बैठ गए और बोले आंखें बंद करिए और एक थॉट दीजिए कि आपके अंदर भगवान हैं लाइट की फॉर्म में, आपके हृदय में, दिल में भगवान है लाइट की फॉर्म में। तो उसके बाद क्या करूं मैंने पूछा, कहते सिर्फ आप फिर ऑब्जर्व करना विद दिस थॉट, दिस थॉट इज देयर, इसके ऊपर आपने मेडिटेट करना है और जो थॉट्स आ रही हैं आने दो, रोकना नहीं है। तो मैंने कहा कुछ भी नहीं करना, मेरे को तो बहुत कुछ करने की आदत थी, मंत्र पढ़ने की, सांस देखने की, सेंसेशन देखने की, मतलब हजार तरह की चीज़ें करके आया हुआ था। मैंने कहा कुछ और तो करने को बोलो, मैं सिर्फ क्या करूँगा। कहते नहीं और कुछ नहीं करना, आपने मेरे सामने बैठना है। सामने बैठ गए, जैसे आप बैठे हुए हो ना वैसे ही मैं सामने सोफे पे बैठ गया एसपी साहब के। विद इन 10 मिनट्स ऑफ दैट मेडिटेशन एंड ही इज कीपिंग हिज आइज क्लोज्ड, मेरी आंखें बंद हैं, 10 मिनट के अंदर मुझे लगा मेरे अंदर कुछ हो रहा है। तो आधे घंटे बाद, 10 मिनट से लेके आधे घंटे तक कुछ 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 अजीब होता गया अंदर, अजीब, मतलब आई कांट एक्सप्लेन इट। सो मैंने एसपी साहब से पूछा कि भाई क्या हुआ, ये क्या कर रहे थे तुम, मेरे को तो कुछ हुआ। इसे सर आपको ट्रांसमिशन आ रही थी, योगिक ट्रांसमिशन, आपकी क्लीनिंग हो रही थी। मैंने कहा मेरे में क्या गंदगी है जो मेरी क्लीनिंग हो रही थी। हाँ, कहते नहीं सर ये पुराने संस्कार हैं जो जिनकी डीप इंप्रेशंस हैं जिनकी क्लीनिंग होती है। तो मैंने उसे थ्योरी पूछी, ये थ्योरी क्या है। इसे सर आपके अंदर भगवान है, इट इज़ लाइक अ सिमिली दी उन्होंने, कि एक लैम्प की तरह समझ लो भगवान को, और उसके आसपास हमने अपने डीप इम्प्रेशन से सूट कटी की हुई है कलक। तो आपको जो ये योगिक ट्रांसमिशन आई है ये वो सूट को निकाल रही है। एग्जाम्पल दिया, मतलब इट्स नॉट रियली सूट एंड इट्स नॉट रियली अ लैम्प, बट ये एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि भाई ऐसा सफाई आपकी होती है। अगर मैंने एक्सपीरियंस ना किया होता तो आई वुड हैव सेड व्हाट बुलशिट, बट एक्सपीरियंस किया था कुछ। तो मैंने उससे पूछा अब आगे क्या करूँ। ही सेड अब आपको ये, मैंने आपको एक सिटिंग दी है, अब आपको एक और सिटिंग कल लेनी है और इस तरह से 3 सिटिंग्स लेनी है। मैंने कहा ठीक है आप आइए कल। तो नेक्स्ट डे एसपी साहब फिर आए, सेकंड टाइम सिटिंग दी, अगेन आई हैड सम एक्सपीरियंस, मे बी माय सेंसिटिविटी हैड गॉन अप, सो आई हैड स्टार्टेड गेटिंग एक्सपीरियंसेस राइट इन द बिगिनिंग। तीसरे दिन आए, तीनों दिन करने के बाद बोले कि सर आपकी सिटिंग्स कंप्लीट हो गई हैं, अब योगिक ट्रांसमिशन, आपको मेरे सामने बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद बैठोगे आपको योगिक ट्रांसमिशन आएगी। चौथे दिन मैं खुद बैठ गया, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने एसपी साहब को फ़ोन लगाया, एसपी साहब आप सामने बैठते हो तो कुछ होता है, अदरवाइज कुछ नहीं होता। तो एसपी साहब बोले नहीं सर थोड़ी सी सेंसिटिविटी आने की ज़रूरत है, आपको शुरू हो गया है। मैं कहा नहीं बाबा मैं यहाँ 15-20 दिन के लिए हूँ, वापस आओ और सिटिंग दो ताकि मैं आई कैन मेक अप माई माइंड। तो I don't know what prevailed on him. SP साहब वापस आए मिश्रा जी, अब बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे। चौथे दिन उन्होंने सिटिंग दी, somehow मेरे लिए कुछ ज़्यादा ज़रूरत थी, 15 दिन कंटिन्यूसली मुझे सिटिंग्स दी उन्होंने, 15 दिन। एंड एवरी सिटिंग वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा। मैंने जितनी 9 मेडिटेशंस की थी एक्सेप्ट विपश्यना, एवरी वेयर इट वॉज somebody is telling me something, मुझे कोई समझा रहा है और मैं उसको मान रहा हूँ लेकिन मैं कुछ एक्सपीरियंस नहीं करता था। ये फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम एक्सपीरियंसिंग समथिंग विच इज़ अनएक्सप्लेनेबल। जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा था वो अनएक्सप्लेनेबल था क्योंकि अंदर कुछ हो रहा था। समडे आई एम फीलिंग सो लाइट, समवे समडे सो मच जॉय, इस तरह की फीलिंग्स आ रही थी। समडे इवन थॉटलेसनेस, इस तरह की फीलिंग्स। तो 18-20 दिन हो गए वहाँ इलेक्शन ड्यूटी करते हुए, तो अंदर से आवाज़ आई बेटा आप यही कर, बाकी चीज़ें छोड़ दे। तो मैंने बाकी सब चीज़ें बंद कर दी और ये मेडिटेशन शुरू कर दी। अब ये मेडिटेशन करते हुए 12 साल हो गए हैं, 12 ईयर्स सिर्फ यही मेडिटेशन कर रहा हूँ और कोई मेडिटेशन नहीं कर रहा। 2 साल के बाद मुझे भी ट्रेनर बना दिया गया, जैसे एसपी साहब एक ट्रेनर थे, इट्स कॉल्ड अ प्रिसेप्टर, मैं भी ट्रेनर बन गया। एंड पूरी तरह से लाइफ चेंज हुई, every aspect of my life changed. This is what I was talking about, the personal transformation. और मैंने जो शुरू में बताया था ना, competitive, aggressive, high ego, ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई। In fact, मैंने psychometric test करके देखा, एक उसके बाद एक मसूरी विजिट होती है, वहाँ होते हैं ना कई बार साइकोमेट्रिक टेस्ट अपने
for checking your psychology. Test kiya, to earlier I was A plus, A and B, extrovert, introvert. I had come in the middle. Matlab ye balance aa gaya tha zindagi mein. This I saw very clearly. And I found I had become more accepting, more loving, more compassionate. Is tarah ki kai cheeze apne aap ko hi aadmi observe karta hai and baaki log bhi observe karne lage. In fact, I don't know whether Gera ji mere batchmate hain, inko yaad hoga ki nahi. Uske baad hamari visit hui Mussoorie mein, 25 saal jab complete hue the na, so we all go to Mussoorie. To hamare sab ke naam pe ek tag lagta hai ke ye kaisa tha aur ab kaisa hai. Mere upar laga, from spirits to spirituality. I don't know whether you remember that. Huh? From spirits to spirituality. Wo kyun? Kyunki I was quite fond of drinking. Abhi aapke Gujarat mein to ye prohibition hai. Lekin every time I would go abroad, I would get a bottle from there. Aur ek puri ghar mein bar thi, jisme har country ki bottles thi, puri tarah se. Ye meditation shuru ki. Aur koi attempt nahi kiya. 3 mahine ke andar sab band ho gaya. और उस बार अभी भी है लेकिन उसके अंदर हार्टफुलनेस की किताबें हैं तो ये ड्रिंक्स छूटी अच्छा अनदर थिंग आई एम अ पंजाबी और पंजाबी क्या खाते हैं नॉनवेज हां तो प्योर नॉनवेज खाने वाला आदमी 6 महीने के अंदर नॉनवेज खाना बंद इनफैक्ट मेरे कुछ दोस्त मुझे बोलने लगे तो बहुत बोरिंग हो गया ना तो ड्रिंक करता है ना तो नॉनवेज खाता है लेकिन ये साथ-साथ ये सारी चीजें छूटी मतलब पर्सनालिटी में मैं बता रहा हूं क्या-क्या चेंजेस आए Then, मैंने देखा मेरा work में क्या हो रहा है काम जो मैं कर रहा हूँ उसमें कोई फर्क आया क्या? I found my concentration levels had gone up very substantially. एक और चीज नोट की, the creativity had gone up. मतलब one was becoming very very creative. आपके यहाँ तो गुजरात में आपके अपने प्रधानमंत्री जी इतने creative हैं, तो मैंने देखा कि creativity बहुत बड़ी. तीसरी एक चीज आई सामने, मतलब which is surprising. Normally, hum, jaise knowledge, this is knowledge you are getting. Abhi main kuch bol raha hun, sun rahe hain. Ye knowledge hai. Iske baad jab experience aata hai, to usko kya bolte hain? Usko wisdom bolte hain. That is why we call a wise old man, because he's got some experience. He's got knowledge and he's got experience. Uske upar mujhe ek cheez mehsoos hui, intuition. Kuch logon mein automatically hoti hai, mere mein bilkul nahi thi. Ladies mein jyada hoti hai, intuition. But the intuition developed. Intuition. So work life mein isse kafi fark aaya. Bahut late baithne ka pehle aadat thi. Wo band hua. Time pe jana, time pe aana. Kaam jaldi time pe khatam karna. Social life kafi change hui. Jab drinking band hui. Aur baaki cheeze band hui. To jo gossip sessions hote the. Jo parties hoti thi. Wo band ho gai. Then family life change hui. This is very very important. Because sabke bache hain. Sabke family hai. Anuradha ne bhi meditation shuru kar di. In fact, she used to detest meditation after that first experience. Kyun? Uska bhi ek karan hai. Gera ji, ye suno. Main ek bar vipassana ke liye gaya tha, 10 din ke liye jab gaya. Main kai bar gaya, wahan jab vipassana kar raha tha, 10 din ke course ke liye. To ek bar 10 din ka karke wapas aaya, to she had a fracture in her hand. Wo laga hua tha, plaster. Mujhe itni gali padi, when I needed you, you were not available. All that. So after that, she had started detesting meditation. मतलब मेरा मजाक होता था कि भाई उसको कोने पे जाके बैठ जाता है कुछ करता रहता है. But जब ये meditation शुरू की, somehow कुछ ऐसा incident हुए that she agreed to take 3 sittings. उसने sitting ली, she got floored, and she is now a regular meditator and she has become a preceptor also. तो ज़िंदगी में मतलब family life में ऐसे बदल आए, इस तरह के बदल आए कि फिर मेरे बच्चों ने शुरू की एंड इट्स सो इम्पॉर्टेंट फॉर द यंगस्टर्स टुडे आज की जो यंग जनरेशन है ना उनका क्या आईक्यू तो हमारे से ज़्यादा है लेकिन ईक्यू बिल्कुल नीचे है जरा कोई इंसिडेंट होता है कुछ हाँ तो या तो बहुत आसमान में चले जाते हैं खुशी खुशी या बिल्कुल नीचे जरा बॉस ने कुछ बोल दिया या टीचर ने कुछ बोल दिया बिल्कुल मतलब सुसाइड करने को तैयारी हो जाती है ये हाल है सो आई फाउंड कि ये मेडिटेशन करने से ईक्यू लेवल काफ़ी बढ़ जाता है इमोशनल कोशेंट और आज के यंगस्टर्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट है मतलब आप लोग अगर शुरू करो या ना करो मेरे हिसाब से करोगे
लेकिन अपने बच्चों को जरूर कराना, क्योंकि इतनी ज़रूरत है उनको। इतने यंगस्टर्स आजकल सुसाइड कर रहे हैं जो देख रहे हैं, बिना छोटी छोटी बात पे। सो माई डॉटर्स ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन, बहुत रेगुलर नहीं करती, लेकिन जरा प्रॉब्लम आई, पापा गिव मी अ सिटिंग एंड द प्रॉब्लम इज ओवर, इट्स एज गुड एज दैट। मतलब ये एक बड़ा क्लियर एडवांटेज फैमिली लाइफ में मुझे दिखा। एंड जब पूरी फैमिली घर में मेडिटेशन करती है तो घर का एटमॉस्फेयर क्या होगा, मतलब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, एटमॉस्फेयर ही चेंज हो गया पूरी तरह से। तो वर्क लाइफ चेंज हुई, फैमिली लाइफ चेंज हुई, पर्सनैलिटी चेंज हुई, सोशल लाइफ चेंज हुई। किसी ने पूछा नहीं कि असली चीज़ हुई कि नहीं, किसके लिए आया था मैं, किस लिए सीकर क्यों बना था, पर्पज़ ऑफ लाइफ, पर्पज़ ऑफ लाइफ की क्लैरिटी आनी शुरू हुई। ये कहीं और क्लैरिटी नहीं आ रही थी, इसकी क्लैरिटी आनी शुरू हुई। ये लव का मतलब क्या है, इसकी क्लैरिटी आनी शुरू हुई। अभी भी 100% नहीं है, आई वुड हैव सेड आई 80%, 80-90%, 100 पहुंचना है अभी क्लैरिटी में, लेकिन काफ़ी क्लैरिटी आ गई। वंस पर्पज ऑफ लाइफ बिकम्स क्लियर ना, तो वन कैन प्रायोरिटाइज हिज लाइफ। तो मैंने प्रायोरिटाइज कर लिया पूरी ज़िंदगी को, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड प्रायोरिटाइजेशन भी चेंज हो जाती है। इनफैक्ट हम सब जो IAS ऑफिसर्स हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज यूज टू बी वर्क, इवन IPS, ज़्यादातर टाइम उसी में सब करते हैं हम जितने लोग हैं। मैंने सारी प्रायोरिटीज चेंज की, फर्स्ट प्रायोरिटी स्पिरिचुअल पर्पज ऑफ लाइफ, सेकेंड प्रायोरिटी हेल्थ, हेल्थ ठीक नहीं है तो क्या करोगे, थर्ड रिलेशनशिप्स, फ्रेंड्स, एक्सचेंज ऑफ लव, फोर्थ इज वर्क। एंड आई रियलाइज्ड दैट इफ आई डू द फर्स्ट थ्री प्रॉपरली, अगर पहली तीन अच्छी तरह कर ली तो चौथी अपने आप अच्छी तरह होती है, इनफैक्ट एफिशिएंसी और बढ़ जाती है। मेरे पास आज इतने एम्प्लॉयज़ हैं, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ यही बोलता हूँ उनको सबको कि भाई मेरे को तुम वर्क की चिंता ना करो, तुम पहले तीन ठीक तरह से करो, चौथा अपने आप होगा, एंड कल्चर में चेंज आता है। सो दिस इज रिगार्डिंग द पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। अब द सेकेंड पार्ट पे आता हूँ मैं, ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशंस। तो मैं जहाँ जहाँ गया, पहले गया ये MSCB में था, तब तक मेडिटेशन शुरू कराई थी तो विपश्यना कराई थी वहाँ शुरू, वो शुरू करा दी थी रेगुलर, वहाँ भी चेंजेस आए थे। लेकिन देन आई वाज कमिश्नर सेल्स टैक्स, तो सेल्स टैक्स में ये शुरू कराया, हर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है सेल्स टैक्स का उसमें मेडिटेशन इंट्रोड्यूस कराई। यू नो वन चेंज विच आई क्लियरली सॉ, एंड दिस इज फॉर द लीडर्स हु आर सिटिंग हियर, वंस पीपल स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन दे स्टार्ट डेवलपिंग लॉट ऑफ ट्रस्ट, एंड दे हैव दिस, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ की जो फेथ है वो बहुत बढ़ जाती है। मतलब देयर लॉयल्टी टू द ऑर्गेनाइजेशन गोज अप, दिस आई एक्सपीरियंसड एवरीवेयर, एंड दे स्टार्टेड ट्रस्टिंग मी मोर। तो मुझे जो मतलब फोर्स करने की कभी ज़रूरत पड़ती थी या कुछ करना पड़ता था वो बंद हुआ। तो सेल्स टैक्स में इसके इफेक्ट देखे मैंने उस वक्त, वहाँ थोड़ा सा ही था, एक बहुत अच्छा इफेक्ट मैंने देखा। देन आई वॉज ट्रांसफर्ड एज सिडको, इन सिडको, फ्रॉम सिडको इज सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र, सारे नए शहर महाराष्ट्र के सिडको बनाती है। तो नवी मुंबई में 8 नए शहर बने हुए हैं, वाशी एंड ऑल, नया औरंगाबाद, नया नांदेड़, ऑल दीज टाउन्स। वहाँ पे एक, आई विल जस्ट गिव वन एग्जांपल ऑफ दैट, वहाँ पे एक, क्योंकि मुंबई का एयरपोर्ट इज़ वेरी क्राउडेड, तो एक नया एयरपोर्ट बनाने का निर्णय हुआ था 1997 में, और एक भूमि पूजन हो गया था वहाँ पे 1997 में सिडको में एयरपोर्ट के भूमि पूजन का। 1200 हेक्टर जमीन चाहिए थी सिडको के पास, 1000 हेक्टर जमीन थी, 200 हेक्टर प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन्स के पास थी, एंड प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन्स वर नॉट ट्रस्टिंग सिडको एट ऑल, एंड दे वर रिफ्यूजिंग टू गिव दैट लैंड फ्रॉम 97 टू 2013, एयरपोर्ट नहीं बन रहा था। मैंने अपने नॉर्मल तरीके से आगे, पहले तो एम्प्लॉयज़ में मेडिटेशन शुरू कराई, फिर PAPs में मेडिटेशन शुरू करा दी, मिलते तो थे हर चौथे दिन अपने थे, तो उनके बीच में भी मेडिटेशन शुरू करा दी, यही हार्टफुलनेस मेडिटेशन। यू नो व्हाट वाज द इफेक्ट, इट टुक सम टाइम, इट टुक अबाउट अ ईयर ऑफ दिस मेडिटेशन बोथ साइड्स, 99% ऑफ देम सरेंडर्ड देयर लैंड्स, एंड दैट एयरपोर्ट इज गोइंग ऑन नाउ, एंड आई एट्रीब्यूट इट टू दिस न्यू ट्रस्ट विच केम, एंड आई एट्रीब्यूट दैट ट्रस्ट टू द मेडिटेशन।
which came. Of course, we gave them a good offer and all that, but trust developed hua. Ye organization ke andar. Ye maine ek bada major difference wahan pe dekha. Third, then I was there for 3 years. Uske baad meri transfer hui yahan pe, chairman Mumbai port. Achha, I don't know, ports ke baare mein logon ko jyada pata nahi hota. Lekin ye ek port aisa hai, jo country ka one of the best ports tha. Lekin iske samne ek aur port ban gaya, Jawaharlal Nehru Port Trust. So, sare container wahan chale gaye. Yahan pe 50,000 employees were there. Today, 40,000 pensioners are there, 10,000 employees. Jabke sirf 1500 logon ki zarurat hai. That is the type of organization where I landed up. All buildings dilapidated, lands hain bahut sare, lekin sab kuch dilapidated, demotivated people completely. Because cargo aata nahi tha idhar, cargo udhar jata tha sara ka sara. To kya kiya? Meditation shuru karai regularly. To meditation shuru karane ka kya, abhi kya hota hai? Office mein regular meditation hoti hai during Tuesdays and Thursday lunch break mein. Then in their residential colonies, then in, we have a hospital. Hospital mein bhi shuru karaya. And in the training institute, I made it mandatory. Gira. Training institute mein mandatory ho sakta hai. To wahan pe jo training ke liye aate hain, ek ghanta meditation karna zaruri hai. You know, aur bhi bahut cheezein ki, lekin I have seen a cultural change in the port now. Usme life aa gayi hai. Of course, we were able to find, we became more creative. We were able to find a new business, cruise business. So, hum, instead of cargo, cargo nahi aata to koi baat nahi. International cruises ki taraf shift kiya. Log motivate hue, meditation shuru hui. In fact, 17-18 mein 40 cruises aaye, 18-19 mein 106 cruises aaye. Logon ko pata nahi hai ye. Aur ye season jo aa raha hai, 206 cruises have lined up. So, nahi business aa gayi port mein. Plus ye motivation, jaan aa gayi. I don't know, thodi creativity bhi aa jati hai saath saath. So I attribute this success also to meditation. So organizations mein is tarah se change hota hai agar ye meditation shuru hoti hai. Ab ye thoda sa main meditation ke bare mein batata hu. Hai kya ye meditation? Shuru mein bataya tha that yogic transmission, SP sahab ne jo bataya, samne baith gaye. This yogic transmission is a flow of love. He says, well, it said it's a flow of divine love, which comes inside you and starts cleaning you up, and your divinity emerges. Khud ki divinity emerge hone lagti hai. This is the fundamental principle behind this. Jisne ashtang yog kiya hua hai. Ashtang yog mein aapne suna hoga, yam, niyam, asan, pranayam, pratyahar, dharna, dhyan, samadhi. Theek hai, these are the various stages. Normally, pehli stage se shuru karna padta hai, yam, niyam, rules. You improve your behavior, morality, and then you go to asanas, then breath ka, pranayam. Slowly you go towards dhyan, dharna, dhyan, and samadhi. Isme kya hai? Because of this yogic transmission, you start straight from dharna, go to dhyan, and the samadhi experiences start coming very quickly. Very, very quickly. In fact, it is unbelievable. When I discussed this with Satyapal, Satyapal is a pakka yoga and meditation karne wala. He says, I don't believe you at all. Samadhi ka experience kaise ho sakta hai tumko? Mere ko ek bulaya tha lecture ke liye. Maine kaha tu karke dekh. Usne kiya nahi. Lekin I have been having, and there are must be 40-50 people sitting here from heartfulness. Everyone has had a samadhi experience. Kabhi 5 minute ka hota hai, kabhi aadhe ghante ka hota hai. Is tarah ke experiences aane lagte hain samadhi ki. But if you are doing as per the hatha yoga regular, it may take you 30 years of bahut kadak mehnat and discipline to reach that stage. Of course, we need, after starting this meditation, because andar se badal hona shuru hota hai, to discipline ki taraf bhi jana padta hai. Wo pehle wale part karne padte hain, but wo simultaneously hone lag jate hain. Yam, niyam and other things. So this is the advantage which I have seen in this meditation. Seedha dharna se start kiya, dharan kiya, ke inside divine light, same process SP ne jo mujhe bataya, and then take a sitting. Shuru mein kya hota hai, wo jo 3 sittings hui ya maine jo experience bataya na, mujhe to 10-15 leni payi. Usme it's something like a tuning. Jab tak aapki tuning nahi ho jati, yogic transmission doesn't flow to you directly. It is to be experienced. Otherwise, the way I laughed in the beginning, you may be laughing inside.
कि क्या है योगिक ट्रांसमिशन, बट इट इज़ टू बी एक्सपीरियंस्ड. तो ये सिटिंग्स लेने के बाद देन इट स्टार्ट्स फ्लोइंग डायरेक्टली टू यू एंड देन ऑल द होल स्टोरी चेंजेस कम्प्लीटली. इनफैक्ट आगे की जो स्टेजेस हैं बहुत डीप जब आदमी चला जाने लग जाता है देन द रियलिटी स्टार्ट्स गेटिंग रिवील्ड टू यू एंड द रियलिटी इज सो अमेजिंग. जब रियलिटी की रेवलेशंस स्टार्ट होती हैं आप मतलब इट्स सो सरप्राइजिंग एंड अमेजिंग. सारी दुनिया इधर जा रही है और रियलिटी इधर है. मेरे को कम से कम 8-10 एक्सपीरियंसेस आ चुके हैं रियलिटी के, जिसमें इट्स कॉल्ड अ प्रिंसिपल ऑफ इन्वर्टेंडो इन स्पिरिचुअलिटी जिसने किया है. सारी दुनिया इधर जाती है और असलियत उधर होती है. ये एक एक ही उदाहरण दे देता हूँ, देन आई हैव टू स्टार्ट द मेडिटेशन ऑल्सो. टाइम है, उदाहरण तो दे देता हूँ एक. ये रेवोल्यूशंस का एक उदाहरण, दो उदाहरण देता हूँ. एक, यू नो, सारी जिंदगी हम क्या करते हैं कि जैसे बचपन में हैं हम तो हम स्कूल में सीखते हैं नॉलेज, ठीक है, कॉलेज में नॉलेज. अब देखते जाओ मेरा हाथ कैसा चल रहा है, हाथ की तरफ ऑब्जर्व करिए, नॉलेज. फिर वी हैव गेट अ जॉब, वी गेट अ होम, वी गेट अ फैमिली, वी गेट सम पावर, वी गेट सम मनी. हाथ कैसा चल रहा है ऐसे, मतलब सारी उम्र हम हाथ ऐसे करते हैं, कुछ ना कुछ पाने की कोशिश करते रहते हैं पूरी जिंदगी. यू नो द प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी जो रेवलेशन हुई एंड इट्स रिटन इन द बुक्स, इट्स नॉट, इट इज यू नीड टू स्टार्ट गिविंग एंड इट ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स फ्लोइंग टू यू एवरीथिंग. एक उदाहरण देता हूँ, शुरू में कॉलेज का याद होगा, जब भी कोई सब्जेक्ट आपने किसी को पढ़ाया वो पक्का हो गया ना, ये तो सबको हुआ होगा एक्सपीरियंस. एज सून एज यू आर गिविंग, नॉलेज की भी बात की, एंड आई हैव एक्सपीरियंस दैट इन मनी, आई हैव एक्सपीरियंस दैट इन बिहेवियर, इवन इन ट्रैफिक जैम, यू जस्ट गिव एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स. नेचर कंस्पायर्स टू गिव अ गिवर, ये ध्यान रखिए, नेचर कंस्पायर्स टू गिव अ गिवर. दिस इज अ रेवलेशन विच केम, बट इट हैज टू बी रियलाइज्ड, इट हैज टू कम फ्रॉम इनसाइड. और हर जगह, मतलब उसके बाद से मेरा तो माइंड ही बिल्कुल बदल गया. पहले शुरू में जैसे वो कॉम्पिटिटिवनेस गई, मुझे जरूर बनना है चीफ सेक्रेटरी, मुझे ये जरूर बनना है, मुझे ये जरूर करना है, पहले ये था. जैसे ही मेरा ये बंद हुआ सब अच्छी अच्छी पोस्टिंग मिलने लग गई जो कि जरूरत मतलब कभी भी नहीं मांगी थी. जैसे सिडको पोस्टिंग एंड ऑल वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस पोस्टिंग. पोर्ट इज अ वेरी गुड पोस्टिंग, सेल्स टैक्स कमिश्नर वॉज अ गुड पोस्टिंग. तो आई वॉज वेरी सरप्राइज कि कैसे मिलने ये वाली. एज सून एज यू गेट दिस गेट आउट ऑफ दिस स्टार्ट्स हैपनिंग एंड ये होता है तो वो ऑटोमेटिकली होता है. दिस इज वन रेवलेशन. एक और फिर मैं बंद करता हूँ और मेडिटेशन कराता हूँ. उबंटू का नाम किस किसने सुना हुआ है? चार पांच हाथ खड़े हुए हैं. उबंटू, ओके, नाउ गुड. नॉर्मली आप अगर वहाँ पे उस कोने में एक केक रख देंगे और यहाँ इंडिया में बच्चों को बोलोगे कि यहाँ से भागो, जो वहाँ पे फर्स्ट आएगा उसको वो केक मिलेगा, तो सब तेजी से भागेंगे, जो फर्स्ट आएगा वो केक ले लेगा, करेक्ट? पाकिस्तान में भी यही होता है, इंग्लैंड में भी यही होता है, यूएसए में भी यही होता है, लेकिन एक अफ्रीकन कंट्री में बच्चों को ऐसा ही जब किया गया कि भागो वहाँ केक है, दे ऑल हेल्ड देयर हैंड्स, जॉइंटली वॉक्ड टुवर्ड्स द केक एंड वेंट एंड शेयर्ड द केक. दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड उबंटू. दिस इज टीम वर्क, दिस इज टीम वर्क. तो दिस इज ऑल्सो रेवलेशन. नहीं तो हम सब उल्टा करते हैं ना, बोला रेस जीतनी है और केक लेना है, केक नहीं लेना है, शेयर करना है. ये जो प्रिंसिपल, इट्स ऑल्सो अगेन सिंक्रोनस विद गिविंग, बट शेयरिंग, दिस इज द टीम वर्क. सो दिस इज द सेकेंड रेवलेशन. सो इस तरह की एक 9 हो चुकी हैं मेरी. जब आती है तो मैं आशीष को फोन करके बता देता हूँ, अब ये लेटेस्ट है, ये वाली रेवलेशन है. बट दिस इज सो अमेजिंग. इट्स लाइक जैसे आप ट्रैक पे जाते हो ना, एक हिल स्टेशन पे गए तो एक जगह पे गए तो आपको एक बड़ा सुंदर व्यू दिखा,
फिर एक दूसरी साइड पे गए तो एक दूसरा सुंदर व्यू दिखा. उस तरह से होता है ये. मतलब इट्स सो अमेजिंग व्हेन दिस रियलिटी रेवलेशन स्टार्ट कमिंग एंड दिस इज ऑल बिकॉज दिस मेडिटेशन से होता है. कॉन्शियसनेस लेवल भी चेंज होने लगता है. इनफैक्ट पर्पज ऑफ लाइफ में एक ये भी है कि योर कॉन्शियसनेस लेवल स्टार्ट्स चेंजिंग. तो ये सारी चीज़ें हैं. आई थिंक वत्सला प्रॉबेबली मेडिटेशन के बारे में और चीज़ें लोग और सेशंस में होगा ना. इट बेसिकली मेडिटेशन इज़ वेरी सिंपल. एक मेडिटेशन करनी होती है. एक हर इवनिंग को हम क्लीनिंग करते हैं. दिन भर जो इकट्ठा किया है एक छोटी सी प्रेयर करते हैं. दैट्स ऑल. एंड प्रिसेप्टर से सिटिंग्स लेते हैं. अगर प्रिसेप्टर बन जाओगे तो सिटिंग देते भी हो. ये है. मेरे घर में अब पूरा सेंटर बना हुआ है जिसमें लोग आते हैं. वेडनेसडे, मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे, संडे, आज भी चल रहा होगा वहाँ पे घर में इंडिविजुअल सिटिंग्स का सेशन. सो दिस इज़ द होल कंसेप्ट. सो अगर आपकी सबकी परवानगी हो तो मेडिटेशन करें. कौन कौन करना चाहते हैं? गुड, थैंक यू. एवरीबडी वॉन्ट्स टू डू इट. तो मेडिटेशन कैसे करनी है? एसपी साहब ने क्या बोला था मुझे? सेम करना है और कुछ नहीं करना. मैं आंखें बंद करके यहाँ बैठूंगा. आई एम अ प्रिसेप्टर. योगिक ट्रांसमिशन इज गोइंग टू फ्लो टू यू. एंड मेडिटेशन में आपने क्या करना है? आपने एक अच्छा शुरू में मैं थोड़ा रिलैक्सेशन भी करा देता हूँ. रिलैक्सेशन में मैं कुछ कमांड दूंगा एक दो ढाई मिनट के. उसके बाद आपने एक थॉट देनी है. मैं बोलूँगा किस वक्त आपने एक थॉट देनी है दैट गॉड इज इनसाइड यू इनसाइड योर हार्ट इन द फॉर्म ऑफ लाइट. और इससे रिलीजन का कोई संबंध नहीं है. जिस गॉड में बिलीव करते हैं, गॉड में नहीं बिलीव करते तो सोर्स इज इन योर हार्ट इन द फॉर्म ऑफ लाइट. ठीक है. ये थॉट के ऊपर आप मेडिटेट कर रहे हैं. आपने आंखें बंद की हैं. बहुत ही जेंटली और कंफर्टेबली बैठना है. एंड आप बहुत जेंटल अटेंशन दे रहे हैं अपने दिल की तरफ. और ये थॉट आपने दी हुई है. जो भी कोई थॉट्स आ रही हैं उनको आने देना. किसी थॉट को रोकना नहीं है. रिमेंबर दैट दिस इज अ वेरी डिफरेंट मेडिटेशन. किसी थॉट को रोकना नहीं है. आने दो, जाने दो. यू आर ऑब्जर्विंग. आपका बहुत जेंटल अटेंशन यहाँ है. साइमल्टेनियसली आप नोटिस कर रहे हैं. एक थॉट आई, एक चली गई, आई चली गई. ये हो रहा है. असल में क्या होगा, रियलिटी में क्या होगा? यू विल गेट इनटू सम थॉट. जब व्हेनेवर यू रियलाइज कि आप किसी पूरी तरह से किसी थॉट में चले गए हैं एंड योर वेरी जेंटल अटेंशन इज नॉट टूवर्ड्स योर हार्ट एंड यू आर नॉट ऑब्जर्विंग क्या हो रहा है. वेरी जेंटली एंड विदाउट एनी गिल्ट ब्रिंग योर अटेंशन बैक एंड अगेन स्टार्ट ऑब्जर्विंग. और कुछ नहीं करना. कॉन्सेंट्रेशन करने की कोशिश नहीं करनी है. दिस इज अ डिफरेंट मेडिटेशन. बाकी सब मेडिटेशन में मैंने कॉन्सेंट्रेशन किया था. यहाँ पे इस मेडिटेशन में इम्प्रूव्ड कॉन्सेंट्रेशन इज अ रिजल्ट ऑफ दिस मेडिटेशन. ड्यूरिंग मेडिटेशन यू डू नॉट कॉन्सेंट्रेट. यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग. बस बहुत जेंटली आप ऑब्जर्व कर रहे हो आपके अंदर क्या हो रहा है. वॉट इज गॉड गोइंग टू रिवील टू यू? मुस्लिम्स हैं आप कहिए अल्लाह का नूर. क्रिश्चियंस गॉड. जैसा आपको जो थॉट देनी है उसका. नथिंग टू डू विद द थॉट. इनफैक्ट मैंने कई बार देखा है. मेरे माय ड्राइवर इज अ मुस्लिम. उसने मुझे बताया मैं ये मेडिटेशन करने के बाद मैं जब मस्जिद में जाता हूँ ना मेरा ध्यान बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे. मतलब मेरा दैट इज मच मोर सक्सेसफुल. माय वर्शिप इज मच मोर सक्सेसफुल देयर आफ्टर आई स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन. सो दीज आर द वेरियस रिजल्ट्स ऑफ दिस. So, any questions before we start doing meditation? Only on the procedure. कि meditation कैसे करनी है? कोई question? Sir, ठीक है? All clear ना? कैसे meditation करना है? Just give a thought and just observe. Nothing else. Gira? Madam? Okay. मेरे seniors बैठे हुए हैं तो मुझे. समधी साहब? चलो ठीक है. फिर मैं शुरू कराता हूँ. पहले मैं कुछ देर कमांड दूंगा. दो तीन मिनट के लिए चलेगा. पहले जो मैं बोलूंगा वो ऐसा करते जाइए. दैट इज रिलैक्सेशन. फिर मैं आपको दिल पे लेके जाऊंगा, हृदय पे, और बोलूंगा
कि अभी आप वो थॉट दीजिए, उसके बाद बिल्कुल साइलेंस रहेगा, मैं भी कुछ नहीं बोलूँगा, आप भी कुछ नहीं बोलेंगे, और ये अंदाजन टोटल 40 मिनट चलेगा, अबाउट 40 मिनट्स. सो एनी नॉइज यू आर गेटिंग, जस्ट ट्रीट इट एज अ थॉट विच इज कमिंग एंड गोइंग, इग्नोर, एवरीथिंग इज टू बी इग्नोर्ड. ठीक है, मोबाइल ऑफ कर दीजिए पूरी तरह से. अब अगर कोई सो जाए नींद आएगी, अगर कोई सो जाए और खरांटे लेने लग जाए, हाँ, तो उसको धीरे से ऐसे कर देना, नहीं तो यू आर गेटिंग डिस्टर्ब्ड. ठीक है, होगा ये, मैंने देखा कई बार, तो साथ वाला अगर सो गया है, सोने गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर खरांटे लेने लग जाए जस्ट ऐसे करके, बट अपना ध्यान वहीं रखना. ओके, कंफर्टेबली बैठना है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है. इफ यू आर कंफर्टेबली क्रॉस लेग, देन सिट क्रॉस लेग, अदरवाइज कुर्सी पे बैठना है जैसा कंफर्टेबल है. आइडियली अपनी बैक स्ट्रेट रखिए, लेकिन मेडिटेशन के दौरान अगर सिर आगे चला जाता है तो डोंट वरी, क्योंकि जब बॉडी कॉन्शियसनेस जाती है तो सिर आगे जाएगा. कपड़े वगैरह भी थोड़े ठीक है. सब लोग आंखें बंद कर लें. आप सब, मैं पहले रिलैक्सेशन करा रहा हूँ, पहले अपना ध्यान आपके पैरों पे लेके जाइए. टेक योर अटेंशन टू योर फीट. इमेजिन दैट देयर इज अ हीलिंग एनर्जी एंटरिंग योर फीट, नीचे से जमीन में से एक हीलिंग एनर्जी आपके पैरों के अंदर आ रही है, और आपके पैरों को पूरी तरह से रिलैक्स कर रही है. ये पूरी तरह से फील करिए, फीलिंग के ऊपर बेस्ड है. हीलिंग एनर्जी पैरों में आ गई है और आपके पैरों को रिलैक्स कर रही है. अब ये हीलिंग एनर्जी ऊपर जा रही है, आपके लोअर लेग्स में आ गई है, लोअर लेग्स आर गेटिंग रिलैक्स्ड. ये एनर्जी और ऊपर गई, आपके नीज में आ गई है, नीज आर गेटिंग रिलैक्स्ड. इस वक्त फील करें कि आपके दोनों लेग्स नीज के नीचे बहुत लाइट फील कर रहे हैं और बहुत ही रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं. इस रिलैक्सेशन को फील करो. अब ये एनर्जी ऊपर जा रही है, नीज से आपके थाइज में आ गई है, और थाइज को रिलैक्स कर रही है. फील द लाइटनेस, जो लाइटनेस क्रिएट हो रही है, रिलैक्सेशन क्रिएट हो रही है, उसको फील करें.
अब एनर्जी आपके बॉटम में आ गई है, दैट इज गेटिंग रिलैक्स्ड, ये हीलिंग एनर्जी अब आपके पेट में एंटर कर रही है, पेट को रिलैक्स कर रही है, ऊपर गई, चेस्ट में आ गई, चेस्ट इज गेटिंग रिलैक्स्ड, छाती आपकी रिलैक्स हो रही है, बैक साइड से भी, बॉटम से आपके लोअर बैक में एनर्जी आई, लोअर बैक को रिलैक्स किया, इस लाइटनेस को फील करी, अपर बैक में आ गई, शोल्डर्स में आ गई, अभी दोनों आर्म्स के अंदर उसका एनर्जी का फ्लो शुरू हो गया है, अपर आर्म्स, लोअर आर्म्स, हैंड्स, इस वक्त आपकी नेक के नीचे आपकी बॉडी का पूरा पार्ट हीलिंग एनर्जी से भरा हुआ है और बहुत ही रिलैक्स्ड है। बहुत ही लाइट फील कर रहा है। आपको ये बहुत अच्छा लग रहा है। एनर्जी अब ऊपर जा रही है आपकी नेक में, फ्रंट ऑफ द नेक, आपके जॉज में आ गई, फेस पे आ गई, पूरे फेस में हीलिंग एनर्जी आ गई है, फोरहेड पे भी आ गई, बैक ऑफ द नेक से भी ऊपर जा रही है, बैक ऑफ द नेक को रिलैक्स करते हुए बैक ऑफ द हेड में आ गई है, आगे से पीछे से दोनों तरफ से अब ऊपर गई है एंड टॉप ऑफ द हेड तक ये हीलिंग एनर्जी पहुंच गई है। इस वक्त आपकी पूरी बॉडी इस हीलिंग एनर्जी से भरी हुई है। इस हीलिंग एनर्जी से जो लाइटनेस प्रोड्यूस हुई है उसको फील करें। कंप्लीटली रिलैक्स्ड हो गई है आपकी बॉडी, योर होल बॉडी इज कंप्लीटली रिलैक्स्ड, फील दैट रिलैक्सेशन। अब अपना ध्यान अपने हार्ट की तरफ लेके जाएं, अपने दिल की ओर, एंड एक थॉट दीजिए दैट गॉड इज इनसाइड योर हार्ट इन द फॉर्म ऑफ लाइट। भगवान
लाइट की फॉर्म में आपके हृदय में है, ये लाइट आपके हृदय को पूरी तरह से इल्यूमिनेट कर रही है और ये लाइट आपको अट्रैक्ट कर रही है। अब आप इसको ऑब्जर्व करें कि क्या हो रहा है, जो भी थॉट्स आएंगी उनको आने दें, जाने दें। अगर ध्यान किसी और थॉट में चला गया तो वापस इस थॉट पे ले आइए। भगवान आपके दिल में है लाइट की फॉर्म में। अब हम मेडिटेशन करेंगे इसके ऊपर। सब लोग आंखें बंद ही रखेंगे और मेडिटेट करेंगे। जब खत्म होगा तो मैं दैट्स ऑल बोलूंगा। प्लीज स्टार्ट मेडिटेशन। That's all. तो ये जो अभी हुआ, दिस इज कॉल्ड अ सिटिंग, मेडिटेशन सिटिंग विद द प्रिसेप्टर। इस तरह की मिनिमम 3, कैन बी मोर सिटिंग्स लेने की ज़रूरत है, सो दैट ये जो आपने अभी फीलिंग आपको आई, ये फीलिंग अपने आप आए। आज घर जाएंगे जब आप, तो यही चीज़ अपने आप बैठ के करिए। ये जो यहाँ पे हुआ वो नहीं होगा, ये जो फीलिंग हुई, लेकिन आप 4-5 सिटिंग्स ले लेंगे तब आप घर पे बैठ के करेंगे तो ये होने लग जाएगा। वो जो मैंने एक्सपीरियंस की बात की, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहली ही सिटिंग में कोई स्पेशल एक्सपीरियंस आए। मैंने जब मेरे फादर को सिटिंग्स दी तो उनको 15 सिटिंग्स के बाद एक्सपीरियंस हुआ, तो मेरे को तो 4-5 सिटिंग्स के बाद बोले, तू तो बोलता था बड़ा कुछ होता है, कुछ हुआ नहीं। तो मैंने उनको बोला चल करते रहिए, तो 15 दिन के बाद ही स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग एंड ही इज़ नाउ अ रेगुलर मेडिटेटर। तो एक्सपीरियंस एक बड़ी छोटी सी चीज़ है जो स्टार्ट की चीज़ है, असली चीज़ आगे की है। तो अपना सिर्फ इसमें क्या करना होता है, दिस होल मेडिटेशन इज़ कम्प्लीटली फ्री एंड इसमें सिर्फ प्रिसेप्टर से सिटिंग्स लेनी है, सुबह मेडिटेशन करना है, शाम को क्लीनिंग करनी है और ग्रुप मेडिटेशन होती हैं। आज पूरे दुनिया में सुबह 10,00,000 लोग हैं जो ये मेडिटेशन कर रहे हैं और अबाउट 10,000 प्रिसेप्टर्स हैं जो सिटिंग्स देते हैं। बड़ौदा में भी बहुत प्रिसेप्टर्स हैं, तो अभी आई थिंक और सेशंस में और सिटिंग्स होने वाली हैं। वत्सला, यू कैप 3 सिटिंग्स?
तीन सिटिंग्स वत्सला ने रखी हुई हैं सेशंस में, तो यहाँ भी ले सकते हो, और किसी को और अलग से लेनी हो तो प्रिसेप्टर्स को कॉन्टैक्ट करें, वत्सला विल आई थिंक टेल द नंबर्स एंड यू कैन टेक द बैलेंस सिटिंग्स. सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली टू मी. मेरी कहानी सुनने में आपने बड़े ध्यान से सुनी, थैंक यू सो मच. और मेरे को पूरी उम्मीद है कि अब सब लोग मेडिटेशन करेंगे, और जैसे मेरी ज़िंदगी बदली, ट्रांसफॉर्म हुई, वैसे सबकी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म होगी. थैंक यू. सो इफ देर आर एनी क्वेश्चंस अबाउट मेडिटेशन, एनीथिंग, एनी क्वेश्चन ऑन एनीथिंग. Hello, can you hear me? Yes. The real problem starts, we try to get materialism, you want to be material every time. In that process, we get so much of, conflict in our mind, we go to a spiritualist to seek that solace. But the one who go to a yogi or a spiritualist, he himself is so materialistic, it doesn't appeal to us actually. So that is the whole thing here. There. By giving your own example, as a man who has passed through all these in a hard way, you are taken away the materialistic feeling and you are taken to a spiritual feeling. That is the greatest thing we have done. Thank you so much. Yes. Thank you. So this was a statement. Any question? Hello, sir. Sir, when I start doing meditation, at that time I always getting the negative energy, that why the thoughts is coming in a negative manner, why so? Dekho, ye jo sanskar, this meditation is based on cleaning. So it is not important ke meditation ke dauran kya ho raha hai. What is important is at the end of the meditation, what is your condition? Us condition ko actually humko retain karna hota hai. You will become 100% successful. मैं भी आज नहीं हुआ हूँ उस स्टेज पे. अगर जो कंडीशन आपको इस सिटिंग के बाद मिली उसको अगर आप 24 घंटे रिटेन कर लें तो यू हैव अचीव्ड इट, दैट यू विल रीच द रियलाइजेशन गोल. रियल इशू इज़ नॉट मेडिटेशन के दौरान क्या हुआ है. मेडिटेशन के दौरान कई संस्कार निकलेंगे, कई विजन्स आएंगे, कई कुछ चीज़ें होंगी. वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ मेडिटेशन के एंड में क्या कंडीशन है. And after completion of meditation, we always felt very heavy. Like, you know, we have done a lot of exercise or we put a lot of efforts on that. So maybe slowly and gradually the lighten come up in the soul. So इसमें क्या है कि अगर आप heavy feel कर रहे हैं तो आप कुछ concentration करने की कोशिश कर रहे हैं. That means इस meditation में हम concentrate नहीं करते. You have to sit very relaxed और सिर्फ अपने आप को observe करिए. तो कुछ भी जबरदस्ती नहीं करनी है. जैसे ही आप जबरदस्ती करेंगे आप हैवी फील करेंगे. ठीक है. थैंक यू सो मच सर. ओके. एक्सक्यूज मी, अपने आप को जब फील करते हैं तब लगता है कि हम कहीं और जा रहे हैं, दूर दूर कहीं जा रहे हैं, अगेन वी आर खींच के फिर वापस ला रहे हैं, अगेन इट्स गोइंग आउट. बट वो कॉन्सेंट्रेशन जो चीज़ है ना, कॉन्सेंट्रेशन को नहीं करने के लिए बोले आप, कर नहीं रहे हैं, बट स्टिल जो है ना कुछ प्रेशर एक डेवलप हो रहा है. मतलब वी आर नॉट गोइंग टू, एक मन को अपने साथ रखने के लिए बोल रहे हैं बट वो हो नहीं रहा है. गोइंग समवेयर कहीं दूर हो जा रहा है. दो चीज़ें हैं इसमें. एक तो मैंने जैसे बोला कॉन्सेंट्रेशन नहीं करना है, लेकिन आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या हो रहा है. बेसिकली हम जब बैठे हैं वो इनिशियल थॉट दे के, तो हम After that, we are just in a mode of waiting. Okay, let us see what God reveals to us. आज हमको क्या देखने को मिलेगा. तो आपको जो देखने को मिलता है वो देखिए. तो उसके बाद कोई चिंता नहीं करनी. सिर्फ ये कि अगर किसी thought के अंदर घुस गए, आज सुबह क्या हुआ था या आगे क्या होने वाला है, तब bring your attention back gently and again start observing कि वो जो original thought दिया है उसका क्या result आ रहा है. आगे आगे देखो क्या होता है. थैंक यू.
सर थोड़ा मेरा क्वेश्चन थोड़ा मतलब ऐसा है कि नींद और मेडिटेशन के बीच कुछ रिलेशन होता है? देखो अगर आपको नींद आपने नींद पूरी नहीं की हुई है और मेडिटेशन पे बैठोगे तो आपको नींद आ जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं वो नींद को स्टेज हो सकता है मेडिटेशन का मतलब? नहीं सेमी कॉन्शियस का ऐसा कुछ नहीं, वो समाधि स्टेज आती है एक, जिसको लोग कई बार नींद से कंफ्यूज करते हैं। लेकिन समाधि स्टेज में आप धीरे से आपको प्रिसेप्टर दैट्स ऑल बोलेगा, नींद से आप नहीं जाग सकते इतनी जल्दी, लेकिन आप एक सेकंड में बाहर आ जाएंगे, लेकिन समाधि होगी, थॉटलेसनेस होगी कम्प्लीटली। तो दोनों का बड़ी थिन वेल है दोनों के बीच में, तो धीरे धीरे उसको पता लग जाता है कि ये नींद है कि क्या है। ओके थैंक यू। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार जी। जैसे कि हम लोग डीप स्टेज डीप में जाते हैं तो हम मुझे ऐसा फील हुआ कि वो ब्रीदिंग जो हम ले रहे हैं और ब्लड सर्कुलेशन हार्ट के थ्रू जो एक एक पंपिंग ब्लड होता है समथिंग लाइक दिस थाइज में हाथ में जो फील आता है, सो व्हाट डू यू से कि भी ये कौन सा स्टेज है या ये राइट वे है और नहीं है सोचने का या समझने का? नहीं इसका इसके मेडिकल बेनिफिट्स बहुत हैं, अगर आपने मेडिकल की तरफ अगर ध्यान दे रहे हैं तो अभी रिसर्च चल रही है, बट यूएसए वगैरह में कुछ ऐसी रिसर्च हुई है जो बताती है कि आपका बीपी ठीक हो जाता है, इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि अभी पूरी तरह से प्रूव्ड नहीं है तो हम इसके बारे में बात नहीं करते मेडिकल का। आई थिंक इन द नेक्स्ट 3 years यू विल सी लॉट ऑफ मिरेकल्स कमिंग आउट ऑफ दिस जो बीमारी है, बिकॉज 80% ऑफ आवर प्रॉब्लम्स आर साइकोसोमेटिक, 80% ऑफ आवर मेडिकल प्रॉब्लम्स आर साइकोसोमेटिक एंड दिस इज वर्किंग ऑन साइकोसोमेटिक। तो ये कोई 1 महीने में ठीक हो सकती है, 3 महीने में, लेकिन पूरी तरह से 100% प्रूव्ड नहीं है, इसलिए अभी हम बोलते नहीं हैं उसके बारे में। बट मैंने खुद देखा है, मेरा फ्रेंड है जैसे उसने बताया, गेरा अपना बैचमेट है ना जो प्रवीण परदेसी, वो म्यूनिसिपल कमिश्नर आजकल है बीएमसी का, तो मैंने उसको बोला पूरे बीएमसी में मेडिटेशन शुरू करा दे, उसने करा दी है। लेकिन वो खुद क्या करता है, जब उसकी मदर को कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे उसकी मदर हॉस्पिटल गई, बहुत उसको प्रॉब्लम हो रही थी, तो मेरे को बोले कि इसको रिमोट सिटिंग दो मेरे मदर को, मैंने रिमोट सिटिंग दी, एकदम शांत हो गई। नहीं तो उसको बहुत डर लग रहा था हॉस्पिटल में, आज मेरे साथ क्या होने वाला है, मेरा ऑपरेशन होने वाला है, एकदम शांत हो गई। तो देर आर लॉट ऑफ दीज थिंग्स विच वी स्टिल डोंट स्पीक अबाउट बिकॉज दे आर नॉट प्रूव्ड। प्रूव तब होता है जब रिकरिंगली हर बार वो करेक्ट निकले, लेकिन हमारे सामने हम रोज एक्सपीरियंस कर रहे हैं ऐसी चीज़ें जो है। तो आपको अगर आपका थोड़ा सा बीपी लो लगता है, जैसे अगर आप एसी बैठे हो, मैंने अपने आप एक्सपीरियंस किया, एयर कंडीशन में बैठे हो, मेडिटेशन जब तक ख़त्म होगी ना आपको ठंड लगने लग जाएगी, बिकॉज योर बॉडी टेम्परेचर इज कम लो, ये चीज़ें होती हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि स्पिरिचुअलिज्म, वी आर डूइंग दिस स्पिरिचुअलिटी एंड व्हाट इज मतलब कोरिलेशन विद स्पिरिचुअलिटी एंड फिजिकल फिटनेस? जैसे वही स्पिरिचुअलिटी क्या चीज़ है, स्पिरिचुअलिटी में जैसे हम बात करते हैं वी आर वर्किंग ऑन द सटल बॉडी, और सटल बॉडी क्या है, अंदर साइकोसोमेटिक के ऊपर हम काम कर रहे हैं, साइकोसोमेटिक के ऊपर काम करते हो तो हेल्थ ऑफकोर्स हेल्थ विल बी गुड, इनफैक्ट बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं। फिजिकल फिटनेस अपनी एक्सरसाइज जरूर करना, जैसे मैंने शुरू में बताया मैंने योगा बंद किया, सिर्फ ये किया तो मुझे प्रॉब्लम आने लगी थी, फिर मैंने योगा शुरू किया, योगा भी और मेडिटेशन भी दोनों जरूरी हैं। ओके सर थैंक यू। वो मेरा बॉडी के अंदर राइट और लेफ्ट साइड में बहुत कुछ जर्की हो रहे थे और दोनों हाथ में मेरे को लगा कि जो करंट लग रहा है उसी तरह का तरह हो रहा है, ये अच्छा सिग्नल है कि बुरा? मुझे समझ नहीं आया, डिड एनीबॉडी गेट इट? आपको जर्क्स लग रहे थे? या आई वाज गेटिंग शेक्ड, या अभी सिटिंग के दौरान आपको जर्क्स लग रहे थे? लग रहे थे हाँ, सो दैट्स पार्ट ऑफ द क्लीनिंग, डोंट वरी। थैंक्स ब्रो। हेलो सर, ये समाधि स्टेज आपने कभी फील किया है? जो किया हो तो जरा एक्सप्लेन कीजिए ना, व्हाट इज समाधि स्टेज इन योर वर्ड्स? समाधि इज कंप्लीट थॉटलेसनेस, यू आर नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग। अच्छा, एंड जो बाहर से आ रहे हैं कोई भी थॉट्स या कुछ भी, हम इसके ऊपर, वो आपने फील किया है क्या? हाँ किया ना।
अच्छा बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है। अच्छा वो उसमें से हमें बताइए ना थोड़ा एक्सपीरियंस आपका। कोई एक्सपीरियंस नहीं, जीरो एक्सपीरियंस, जीरो एक्सपीरियंस, कोई थॉट नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, इट्स लाइक अ डिफरेंट डायमेंशन यू आर देयर, दैट्स ऑल। अच्छा कोई ऐसा मींस शेप है, ओनली थिंग इज उसका नहीं, उसका रिजल्ट जो होता है आफ्टर यू कम आउट ऑफ समाधि यू आर एक्सट्रीमली रिलैक्स्ड। हां दैट्स गुड, ये उसका रिजल्ट होता है। बट समाधि के दौरान कुछ भी नहीं है, nothing, it's nothingness. Good. नमस्कार सर, ये मेडिटेशन के दौरान ऐसा लगा टंग के ऊपर नमनेस जैसा लग रहा था, तो वो कुछ ऐसा होता रहता है? कहाँ पे नमनेस था? टंग, टंग, टंग पे। हाँ कुछ नहीं, नॉर्मल, बिकॉज यू आर गेटिंग इनटू दैट रिलैक्सेशन मोड, तो नथिंग होता है। क्लीनिंग, टॉप टू बॉटम क्लीनिंग थी, उसमें कई बार हो जाता है, जैसे मैंने रिलैक्सेशन भी कराई, कई बार ये हो जाता है। ओके, यू डोंट वरी अबाउट इट, ऑल दीज आर ओके। नमस्ते महोदय जी। नमस्ते जी। सर मैं ये पूछ रहा था कि मेरे माइंड को, जैसा कि आपने बताया था कि जो प्रैक्टिस के दौरान, तो मैं मतलब गॉड पे स्टे नहीं कर पाता हूँ, मैं अपने कुछ लाइफ के पल हैं या अपनी फैमिली के कुछ मतलब मोमेंट्स हैं उन पे मैं रिलेलाइज कर रहा था, तो सर ये सही है? I couldn't hear properly. Did you get it? Vatsala, इधर आ जाओ जरा, just help me. आप बोलो। And if they want to speak in Gujarati, let them. I think आपने कहा कि आप लाइफ के कुछ अपने पलों को, he was getting thoughts of his life. Okay, excuse me. आपके पुराने, जब बहुत डीप क्लीनिंग होती है तो बहुत एक्सपीरियंसेस पुराने आते हैं, जो कोई आपके ऊपर अंदर जमे हुए हैं वो बाहर आते हैं, ऐसा होता है। इनफैक्ट कहते हैं कि कई बार पिछले जन्मों के भी आते हैं, बट ये कहने की बात है अभी, आई डोंट नो। ओके थैंक यू सर। दैट्स पार्ट ऑफ द क्लीनिंग प्रोसेस, द डीप इंप्रेशंस गैदर्ड आर गोइंग अवे। सर ये रियलाइजेशन और थॉट्स, जो थॉट्स आते हैं ड्यूरिंग सिटिंग ना, और कुछ चीज़ जैसा आपने बताया कि रियलाइज करते हैं या तो हर समय सिटिंग के समय ये होता है व्हाट आई एम गोइंग टू रियलाइज, ये क्वेश्चन जो होता है ना तो ऑब्जर्वेशन स्टेज में रहने देता है ना कॉन्सेंट्रेशन वाला स्टेज में रहने देता है। ओके देखो ये प्रोसेस है, मेडिटेशन इज अ प्रोसेस एंड रियलाइजेशन इज वन गोल। तो जब मेडिटेशन कर रहे हो जो थॉट्स आ रही हैं दे आर जस्ट पार्ट ऑफ द क्लीनिंग प्रोसेस, लेकिन जब रियलाइजेशन आएगी, और रियलाइजेशन नहीं, मैंने वर्ड रेवेलेशन यूज किया था, मेरी अभी रियलाइजेशन नहीं आई है, रियलाइजेशन इज द फाइनल गोल एंड उसके आगे मर्जर गोल्स हैं, कई गोल्स हैं, ये अभी तक मुझे रियलिटी की रेवेलेशन आई हैं विच आर वेरी अमेजिंग। रियलाइजेशन वेदांता में जिस चीज़ को रियलाइजेशन बोलते हैं, All of us are one. ऐसी complete feeling, that is realization. अभी आनी है। नहीं, sitting से मुझे क्या अनुभव होने वाला है? ये जो question चलता रहता है दिमाग में during sitting, वो उसके कारण concentration या observation stage नहीं पहुंच पाते हैं। I didn't get that. क्या होने वाला है? Yes, मैं अगर मेडिटेशन में बैठे हैं हम, हाँ। तो मन में जैसे आपने बोला कि गॉड को यू फील कि गॉड इज इन योर हार्ट इन द फॉर्म ऑफ लाइट, उस चीज को लेने के बाद में मुझे क्या थॉट्स आते हैं या क्या अनुभव होता है? थॉट्स और अनुभव के बीच का डिफरेंस कुछ नहीं कर पाते हैं, जैसे अभी भाई साहब ने बोले कि इनको फैमिली के बारे में कुछ थॉट्स आते हैं, तो वेदर इट इज थॉट्स और रियलाइजेशन। देखो इनमें से कोई भी रियलाइजेशन नहीं है, थॉट्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, कई चीज़ें आएंगी, लेकिन आफ्टर द मेडिटेशन फॉरगेट दैट, लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, इट इज एट द एंड ऑफ द मेडिटेशन जो आप कंडीशन में आए हैं, उस कंडीशन से बहुत चीज़ें रिवील होंगी। कभी कभी मेडिटेशन के दौरान भी रिवेलेशन आएंगी, लेकिन अदरवाइज जो नॉर्मल थॉट्स हैं they are just part of the cleaning process. Thank you.
मसला यहाँ तो लोग बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, महाराष्ट्र में तो दो तीन पूछ के रुक जाते हैं. That is home territory for you, sir. This is Gujarat. Yes. नमस्कार सर. सर सर अभी जो मेडिटेशन किया है उसमें आपने कितना मिनट्स का दिया है मेडिटेशन? जैसे आपने पहले बोला था कि 40 मिनट्स का है तो वो तो काउंट नहीं किया, लेकिन जितना टाइम मैंने मेडिटेशन किया उसमें मुझे ऐसा फील हुआ है कि जैसे माइंड एकदम स्ट्रेस करने लगा है. मैं अगर उसको खोलूँ कर रहा था लेकिन मैं खोल नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे मेडिटेशन में बैठना था. तो वो मुझे बहुत स्ट्रेस कर रहा था कि अगर मैं आईज ओपन नहीं करूँगा तो कुछ भी दिमाग में ऐसा चल रहा था कि मैं आईज ओपन नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मुझे मेडिटेशन तो करना ही है. सर इतना ज़ोर से भारी हो गया था तो ऐसा क्यों? बहुत अच्छा साइन है. दैट मीन्स जो क्लीनिंग की प्रोसेस थी वो आपकी काफ़ी डीप गई. इनफैक्ट शुरू में जब बहुत इफेक्टिव क्लीनिंग होती है तो मन करता है उठ जाओ, ये क्या कर रहा हूँ मैं. इनफैक्ट मेरे ब्रदर को, आशीष को पता है ये, जब मैं उसको सिटिंग कई बार देता हूँ वो बैठ ही नहीं पाता. ही सेड आई कांट हैंडल इट, इतनी ज़्यादा क्लीनिंग शुरू हो जाती है डीप. तो मैं उसको बहुत सॉफ्टली करता हूँ. तो ये बहुत अच्छा साइन है. 3 सिटिंग्स लोगे इसका रिजल्ट देखना फिर क्या होता है. तो सर इसके बारे में ये है कि शुरुआत में जितना हो सके उतना करें, बाद में आईज ओपन नहीं कर सकते. ये जो आज हुआ इसकी आप चिंता ना करो, आप लो 3-4 सिटिंग्स और फिर आप इसका इफेक्ट देखो क्योंकि आपकी डीप क्लीनिंग हुई है. ओके सर, थैंक यू सर. सर बेसिकली योगा मेडिटेशन एटसेट्रा दीज आर टेक्निक्स टू सेट अ इक्विलिब्रियम बिटवीन माइंड बॉडी एंड मैटर. एंड आई थिंक 30 years back or 40 years back वी वर नॉट सो मच इंटरेस्टेड इन योगा. आर ग्रैंड पेरेंट्स, आई होप एवरीबडी वुड एग्री, वी वर यूजिंग बाइसिकल्स, वी वर गोइंग बाय वॉक, वी वर नॉट सो मेटीरियलिस्टिक. So we never had these problems in actuality, but now these problems of late have grown up. The equilibrium between mind, matter and body has become disbalanced because we have become over a period of time more and more materialistic. And in that efforts to set that equilibrium, we have to make conscious efforts to subconsciously control our mind, which in turn will control our body. And this is, I think, what we plan to do here in yoga. So that is the way it is to be performed. And it should not be taken as a burden. It should be a part of a life. This meditation, yoga should become a normal practice. Your thought process governs the body processes. And this is what we have to achieve. We people are doing jobs in our offices. Maybe many are stressed, many are not. You need to find a vent, and those, if we cannot, these are the techniques. I think, if I'm okay, and initially we have to make very conscious efforts, and later on, it becomes a gradual part of our life. Thank you. नहीं वो बिल्कुल ठीक बोले. शुरू में effort लगता है. Effort भी क्या लगता है कि बैठना है meditation के लिए शुरू में. अगर कोई एक्सपीरियंस वगैरह आने लग जाता है तो फिर मन भी करता है धीरे धीरे. लेकिन अपने को एक विल पावर इतनी रखनी चाहिए कि भाई ये मैं करने जा रहा हूँ, मैं 3 महीने रेगुलरली करूँगा. 3 महीने में नहीं सक्सेसफुल हुआ तो छोड़ दूँगा. मैंने आज तक नहीं देखा जो छोड़ सका, क्योंकि 3 महीने में ऐसे एक्सपीरियंसेस आने लग जाते हैं, ऐसी चीज़ें होने लग जाती हैं कि आदमी कहता है ये मेरे को कैसी बढ़िया चीज़ मिल गई. तो लेकिन शुरू में विल पावर इतनी ज़रूर लगती है. एक विल पावर बनाओ कि मैं रेगुलरली मेडिटेशन करूँगा, क्लीनिंग करूँगा, सिटिंग लूँगा, फिर देखो उसके रिजल्ट्स. सर माय क्वेश्चन वुड बी अ वेरी नाइव टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट आई थिंक इट इज बेटर टू क्लियर ऑल द डाउट्स. यस सर. सर यू आस्क्ड अस दैट यू थिंक दैट लाइट, गॉड इज इन फॉर्म ऑफ लाइट इन योर हार्ट. नाउ दैट फॉर्म ऑफ लाइट आई कुडंट इमेजिन दैट whether it could be sunlight, star, a lamp,
So the volume, size of light, and I mean that was very confusing for me. So don't worry about the form of light, because it's a very subtle thought. And you are just giving a thought. Maine word use kiya, light is illuminating your heart. Don't worry wo kis tarah ki light hai. Just give that thought. Uske baad dekho ke Bhagawan kya karta hai. Humko wo dekhna hai ke wo kya karta hai. Thank you so much. Thank you.